न ऑन ऑक्टूबर थ्री एनसीबी रेडिड ऑन अ क्रूज शिप एंड आर्यन खान वॉज अरेस्टेड ऑन ड्रग्स केस तब से डिस्कशन चल रहा है अबाउट द ड्रग्स यूसेज इन इंडिया सो लेटेस्ट डिस्कस द वीड लॉस इन इंडिया वीड हैजीन इन यूज इन इंडिया फॉर टू थाउजेंड ईयर देर आर सिक्सटीन मिलियन एक्टिव वीड यूजर्स इन इंडिया कुछ तो आपके आस पास ही मिलेंगे अंग्रेजों के टाइम में ब्रिटिश हैवी टैक्स लगाते थे और वीट बाई प्रोडक्ट्स अगर हम लोग कल्टिवेशन की बात करें उत्तराखंड इज द ओनली स्टेट जहाँ पे वीट कल्टिवेशन लीगल है थ्रू अ स्टेट लाइसेंस वीट हैज बीन इन यूज फॉर मेडिकल पर्पसेस आल्सो ऑल्सो लॉज रिगार्डिंग वीट इज चेंजिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यू की बात करें यू में नाइनटीन स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ वीट कंजशन इज लीगल सो अस डिस्कस लॉज अगर आप कभी गांजा फूकते हुए इंडिया में पकड़े गए तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है इंडिया में किसी भी तरह का ड्रग्स यूसेज रेगुलेट करते हैं एन डी पी एस एक्ट नाइनटीन एट्टी फाइव इंडिया में कहीं पर भी आप स्मॉल पोर्शन में भी गांजा फूकते हुए अगर पकड़े जाते हैं तब आपको एक साल का जेल और दस हजार रुपये का फाइन लग सकता है इंडिया में कहीं पर भी अगर आप ड्रग्स स्मगल करते हुए पकड़े जाते हैं तब आपको दस साल का जेल और एक लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है और अगर ये एक लार्ज क्वान्टिटी में हुआ तब आपको बीस साल का जेल और दो लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है अथॉरिटीज़ इंडिया में रिगार्डिंग ड्रग्स बहुत स्ट्रिक्ट है कुछ केसेस में बेल भी नहीं मिलता है एंड सबके के थोड़ी ना शाहरुख खान होता है जब मैं स्कूल में था तो बहुत सारे दोस्त मुझे बोलते थे कि व्हीट से कैंसर ट्रीट होता है आपने भी कहीं ना कहीं ये ज़रूर सुना होगा तो बहुत सारा रिसर्च हुआ है इस पर और बहुत रिपोर्ट के हिसाब से ये बोला गया है कि देर इज़ नो साइंटिफिक एविडेंस जो बैक कर सके कि व्हीट से कैंसर ट्रीट होता है उल्टा कुछ केसेस में ये भी देखा गया कि वीट लीड्स टू एंग्जाइटी डिप्रेशन और कुछ केसेस में इट लीड्स टू लंग कैंसर एज वेल अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स द यू एस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव भी नहीं किया है वीट को फॉर एनी ट्रीटमेंट एंड मेडिकल यूसेज बट अ स्मॉल नंबर ऑफ स्टडीज हैज शोन दैट smoking marijuana has helped in chemotherapy and neuropathic pain. There is no scientific data जो आपको ये बता पाए कि weed से cancer treatment होता है So next time अगर कोई आपको बोले कि weed से cancer treatment होता है तो उसको ये video ज़रूर दिखाइएगा I hope you like this video. Thank you so much for watching this video. Do subscribe to the channel.